हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम EL 208 ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम की यूनिट फर्स्ट से इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लाउड स्पीकर के टाइप मूविंग कॉइल कॉन लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ा था, और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर हाई वोल्टेज स्पीकर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। प्रीवियस लेक्चर में हमने मूविंग कॉइल कोन टाइप लाउड स्पीकर के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि परमानेंट मैग्नेट यूज़ की जाती है। लेकिन वे स्पीकर जिनमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ की जाती है, उनकी जो पावर रेंज है वो कुछ मिली वोट से लेकर लगभग 25 वोट तक की होती है। मीन्स इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी काफ़ी लो होती है। इसलिए हाई वोल्टेज स्पीकर्स में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है परमानेंट मैग्नेट की जगह। तो वे स्पीकर जिनमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर्स। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रोडायनेमिक स्पीकर इज द सेम एज दैट ऑफ परमानेंट मैग्नेट टाइप। वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इन लाउड स्पीकर्स का परमानेंट मैग्नेट टाइप के लाउड स्पीकर के समान ही होता है। ये उसमें हमने देखा था कि एक वॉइस कॉइल जो है वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के एनुलर गेप में रखी जाती है। तो इसी प्रकार इस इलेक्ट्रोडायनेमिक स्पीकर में भी एक वॉइस कॉइल प्लेस की जाती है। बस डिफरेंस ये होता है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो वॉइस कॉइल इसके गेप में रखी जाती है, एनुलर गेप में रखी जाती है मैग्नेटिक फील्ड के, उस पर जैसे कि उससे ऑडियो करंट पास की जाती है। तो इसके द्वारा जो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और साथ ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है कॉइल पे, जिसकी वजह से कॉइल में वाइब्रेशंस होते हैं और उसी के फलस्वरूप जो है वो एयर में साउंड वेव्स मिलती हैं। यही इसका भी बेसिक प्रिंसिपल है। लाउड स्पीकर ऑफ मोर देन 25 वॉट एंड अप टू अ फ्यू हंड्रेड वॉट आर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप लाउड स्पीकर कौन से होते हैं जिनकी पावर कितनी होती है, 25 वॉट से ज़्यादा और लगभग कुछ 100 वॉट तक की जिनकी पावर होती है, वो लाउड स्पीकर जो हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर होते हैं। द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई ए लार्ज फील्ड कॉइल रैप अराउंड ए कोर। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर है उस पर एक फील्ड कॉइल रैप की जाती है। उस पर जैसे ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर है उसमें उसके द्वारा एक स्ट्रॉन्ग और स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड मीन्स स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य करती है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिव टू परमानेंट मैग्नेट टाइप। द स्पेशल शेप ऑफ द कोर अलाउज मैग्नेटिक फ्लक्स टू रिमेन कंसंट्रेटेड इन द एनुलर गैप बिटवीन द कोर पीसेस। तो कोर की जो स्पेशल कोर की शेप इस प्रकार होती है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो जो पोल पीसेज हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनके बीच का जो एनुलर गेप है उसमें कंसंट्रेटेड होता है। ये किस प्रकार होता है इसे डिटेल में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर की स्ट्रक्चर के बारे में, किस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या इसमें मेन मेन कंपोनेंट होते हैं। तो हमने भी बेसिक्स में देखा था कि इसमें परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है, और अदर जो मेन कंपोनेंट है इसके वो हैं वॉइस कॉइल डायफ्राम। ये वॉइस कॉइल है और ये डायफ्राम, ये किस प्रकार कनेक्टेड है इन्हें भी डिटेल में देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर है, इस पे इसके इस सिरे पे जैसे फील्ड कॉइल को रैप किया जाता है, और इस फील्ड कॉइल पे जब स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर है इसके ये दो पेरिफेरल सिरे नॉर्थ पोल की तरह है और ये सेंट्रल सिरा जो है वो साउथ पोल की तरह कार्य करता है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है।
इस मैग्नेट का। तो इस प्रकार ये जो इलेक्ट्रो मैग्नेट कोर है ये इलेक्ट्रो मैग्नेट की तरह कार्य करती है। और ये जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का, वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होता हुआ साउथ पोल में इनक्लोज होता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परमानेंट मैग्नेट लाउडस्पीकर के मैग्नेटिक फील्ड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इनकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी इन लाउड स्पीकर्स की बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इसी में वॉइस कॉइल को रखा जाता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के इस एनुलर गेप में वॉइस कॉइल को रखा जाता है। और इस वॉइस कॉइल के दोनों टर्मिनल्स पे के बीच उनके ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है, जिससे कि इस वॉइस कॉइल में ऑडियो करंट फ्लो होती है। और ये जो ऑडियो करंट है इसकी वजह से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वह जो मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होने की वजह से कोइल पे जो है वो फोर्स कार्य करता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मीन्स इस कोइल पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स कार्य करता है, और इस जिससे कि इस कोइल में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। और चूँकि इससे इस प्रकार ये डायफ्राम यहाँ पे कनेक्टेड है, कोइल से यहाँ पे डायफ्राम अटैच होता है, इस डायफ्राम से ये कोन अटैच है। तो कोइल में वाइब्रेशन की वजह से इस डायफ्राम में भी वाइब्रेशंस होते हैं, और यहाँ पे इस कोन में भी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पे जो है वो साउंड, यही जो वाइब्रेशंस हैं वो साउंड वेव्स या साउंड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस लाउड स्पीकर में यहाँ पे हमें साउंड वेव्स मिलती हैं। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे एक प्रोटेक्टिव केस में रखा जाता है, इसे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इस प्रकार। और यहाँ पे ये सपोर्टिंग स्प्रिंग्स होती हैं जो कि यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं इसमें, और यही वाइब्रेशंस क्या है, साउंड वेव्स। तो ये जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर की जो यहाँ पे दिखाई गई है इस प्रकार। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर की वर्किंग के बारे में, किस प्रकार यह कार्य करता है। वैसे तो स्लाइडली हमने अभी स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था, द वॉइस कॉइल इज वाउंड ऑन फाइबर और एल्यूमिनियम टू कीप इट लाइट वेट। वॉइस कॉइल जो है उसे फाइबर या फिर एल्यूमिनियम पे लपेटा जाता है ताकि ये वेट में हल्की हो। इट इज़ प्लेस्ड इन द एनुलर गेप। तो अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि वॉइस कॉइल जो है वो दोनों पोल पीसेज के बीच का जो एनुलर गेप है वहाँ पे वॉइस कॉइल रखी जाती है, और इसमें मूवमेंट के लिए वो स्वतंत्र होती है। द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द एम्पलीफायर्स आउटपुट ट्रांसफॉर्मर इज अप्लाइड टू द वॉइस कॉइल। एम्पलीफायर के आउटपुट ट्रांसफॉर्मर से ऑडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो वॉइस कॉइल पे अप्लाई किया जाता है, और जिससे कि वॉइस कॉइल में ऑडियो करंट फ्लो होती है, जिससे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है, जिससे कि कॉइल पे एक फोर्स कार्य करता है, और जिसकी वजह से इस कॉइल में मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि कॉइल से डायफ्राम और कोन जो है वो अटैच्ड होता है, इसकी वजह से कॉइल में वाइब्रेशंस होने की वजह से डायफ्राम और कोन में भी वाइब्रेशंस होते हैं, मूवमेंट होता है, और यही वाइब्रेशंस जो है वो एयर में साउंड वेव्स को क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार इस लाउड स्पीकर से भी जो साउंड एनर्जी है वो डायरेक्टली एयर में रेडिएट होती है, इसलिए इसे भी डायरेक्ट रेडिएटेड टाइप लाउड स्पीकर कहा जाता है। तो यही इस लाउड स्पीकर की वर्किंग है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट है हाई पावर कैन बी ऑब्टेंड। तो इन लाउड स्पीकर्स में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिससे हाई पावर इसमें मिलती है, हाई पावर इससे प्राप्त की जा सकती है, मीन्स इनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जबकि प्रीवियस लेक्चर में जो मूविंग कॉइल टाइप लाउड स्पीकर या परमानेंट मैग्नेट टाइप लाउड स्पीकर हमने पढ़ा था, उनकी पावर रेंज जो है वो कुछ
मिली वॉट से लगभग 25 वॉट तक ही होती है, मीन्स उनकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती है, उनसे लेस पावर जो है वो प्राप्त की जाती है। उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर से काफ़ी हाई पावर जो है वो प्राप्त की जाती है। इन लाउड स्पीकर्स का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के डिसएडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट है पावर सप्लाई इज नीडेड फॉर फील्ड कोइल। तो हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो फील्ड कोइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर पे रैप की जाती है, तो उसे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए पावर सप्लाई की नीडेड होती है, जिसके फलस्वरूप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर है उसकी पेरिफेरल सिरे नॉर्थ पोल की तरह और सेंट्रल सिरा साउथ पोल की तरह कार्य करता है। इस प्रकार यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कार्य करती है, तो इसमें पावर सप्लाई की नीड होती है फील्ड कोइल के लिए। हेवियर इन वेट, इसका वेट बहुत ही हेवी होता है, कॉस्टलियर होगी, कॉस्टली भी काफ़ी होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इनका रेडियो रिसीवर्स में यूज़ होता है, रिकॉर्ड प्लेयर्स और टेप रिकॉर्डर्स में इनका यूज़ होता है, साथ ही सेमिनार हॉल पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। चूँकि ये हाई वोल्टेज स्पीकर्स होते हैं, इनकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई होती है, इसकी वजह से जो लार्ज ऑडियंस एरिया है वहाँ पे हम इन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार ये आज का लेक्चर था इलेक्ट्रोडायनेमिक लाउड स्पीकर के बारे में, जिसमें कि हमने इसके बेसिक्स, स्ट्रक्चर, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस को वन बाय वन डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।